सांसद शांता कुमार ने कहा है कि नाइजीरिया में समुद्री डाकुओं द्वारा बंधक बनाए गए कांगड़ा जिले के 3 युवकों की रिहाई के लिए सरकार गंभीर है। शांता कुमार ने कहा कि मामला विदेश का है और समुद्री डाकुओं का है, इसीलिए काफी नाजुक है। इस संबंध में शांता कुमार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से पत्राचार कर चुके हैं और बंधकों के परिजनों ने पालमपुर में शांता कुमार से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और वह स्वयं बंधकों की जल्द से जल्द रिहाई को लेकर पूरे प्रयास कर रहे हैं। जहाज जिस कंपनी का है उसका पता चल गया है और कंपनी से भी संपर्क साधा जा रहा है। क्या कुछ बात हुई है और क्या प्रोग्रेस है उस साइड? नाइजीरिया में जो हमारे यहाँ के 3 नौजवान फंसे पड़े हैं, उनके परिवार के लोग बहुत परेशान हैं। कई बार मिले हैं, उनके परिवार के लोगों ने फोन पर भी बातचीत की है। उस संबंध में बहुत पहले मैंने भारत सरकार विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा था, रिमाइंडर भी दिया है, दिल्ली में मेरी बात भी हुई है। अब जिस जहाज पे वो थे उसको हाईजैक किया है, बंधक बनाए हैं, फिरौती मांग रहे हैं, तो भारत सरकार विदेश मंत्रालय, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, मुख्यमंत्री जयराम जी, मैं, हम सब पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी तक पता ये लगा है कि कंपनी का तो पता लग गया कि किस जहाज की कंपनी है, तो भारत सरकार और वहां की सरकार उस कंपनी को कह रहे हैं कि वो उसकी व्यवस्था करे, प्रबंध करे। तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी बड़ी सक्रिय हैं, पूरी कोशिश कर रही हैं। अब दूसरे देश का मामला है और समुद्री डाकुओं ने जहाज को कब्जे में किया हुआ है, उनको बंधक बनाया है। बड़ा नाजुक मामला है, लेकिन हम सब बहुत चिंतित हैं, उनके परिवार के लोग भी बहुत परेशान हैं। तो पूरी कोशिश भारत सरकार कर रही है कि जल्दी से जल्दी उन सबको वहां से छुड़ाया जाए। शांता कुमार ने कहा कि अवैध कब्जों के मामले पूरे देश में बढ़ रहे हैं, लोग सरकारी संपत्ति को यतीमों की संपत्ति समझ रहे हैं। इस विषय पर सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे। यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा न करे। 2019 के चुनावों के संदर्भ में शांता कुमार ने कहा कि वह अब चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं और इस संदर्भ में पार्टी को अपनी इच्छा बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में कांगड़ा में अनेक कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ने की काबिलियत रखते हैं। है कि सरकार की संपत्ति यतीमों की संपत्ति समझी जाती है, जिसकी जब मर्जी हो नाजायज कब्जा करता है, और ये कब्जा करता नहीं, कब्जा करवाया जाता है। भ्रष्टाचार के कारण सारे नाजायज कब्जे होते हैं। तो मैं तो इस संबंध में जनरल ये कहना चाहता हूं कि सरकारों को अपनी संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए और ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति या पैसे के दम पर या भ्रष्टाचार से सरकार की संपत्ति पर कब्जा कर सकता है। ये पूरे देश में दिल्ली से लेकर सब जगह हो रहा है। पालमपुर में भी बहुत सी शिकायतें हैं, कई जगह शिकायतें हैं। मैंने पालमपुर के एसडीएम महोदय से कहा है कि आपका फर्ज है चारों तरफ देखिए, सरकार की जमीन पर एक इंच पर भी कहीं पर किसी का नाजायज कब्जा नहीं होने देना चाहिए, ये सरकार का फर्ज है। संत जी, 2019 लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो क्या आप जिला कांगड़ा से लोकसभा क्षेत्र से आप फिर मैदान में होंगे? देखिए, मैं तो मैदान में हूँ, हमेशा रहा हूँ, मैदान से कभी न हटा न कभी हटूंगा। चुनाव लड़ते मुझे बहुत दिन हो गए, तो मेरी इस बार इच्छा है कि इस बार को चुनाव कोई और लड़े। मैंने पार्टी को कहा है कि इस बार कांगड़ा लोकसभा से कोई और उम्मीदवार चुनाव लड़े। मैंने अपनी इच्छा पार्टी को व्यक्त की। अगर पार्टी आपको कहती कि चुनाव लड़े तो फिर क्या? नहीं, बहुत कार्यकर्ता है, बहुत देता है, मुझे लगता है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी।